आज के ताजा मौसम समाचारों की अपडेट में बात करेंगे संपूर्ण भारतवर्ष के अगले 24 से 48 घंटों के मौसम विभाग के समाचारों की कि देश के किन किन राज्यों में बदलने वाला है मौसम का मिजाज। तो देश के किन किन राज्यों में बारिश की संभावना, तो देश के किन किन राज्यों में बारिश से भी और बिगड़ेंगे हालात, पूरी जानकारी देंगे आपको आगे इस अपडेट में। तो इस वीडियो को आप बिना भगाए पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, और चैनल पे आप नए तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि मौसम से जुड़ी जानकारी रोजाना सबसे पहले आपको मिलती रहे। बात करते हैं आज की पहले अपडेट की, तो सनसनाता आ रहा है अब सर्दी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन राज्यों में चलेगी तेज हवाएं, भारी बारिश को लेकर चेतावनी। दशहरे के बाद से अचानक मौसम में देश भर में बदलाव आ गया है, कई राज्यों में गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। तो दिल्ली और एनसीआर में जो है सनसनाती जो सर्दी जो है वो भी आ रही है। दक्षिण भारत में बारिश के हलवर पा रही है, इस दौरान तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। दक्षिण उत्तर भारत का तापमान गिर गया, जिससे सुबह शाम के समय हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में अचानक सर्दी बढ़ने के आसार है। वह मौसम विभाग के अनुसार दिवाली से पहले जो है 25 से 30 तारीख तक जो है ठंड पूरी तरह से दस्तक दे देगी, मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है। तमिलनाडु पुडुचेरी में अधिकांश हिस्सों में जो है 2 दिन तक भारी बारिश को लेकर चेतावनी है, यानी आज और कल 2 दिन भारी बारिश हो सकती है। तमिलनाडु में जो है बारिश का सिलसिला जो है 14 तारीख से ही जारी है, जिससे कई जिलों में जलभराव हो गया है। जिले के सभी यहाँ पर तमिलनाडु के कई जिलों में जो है स्कूल कॉलेज बंद रखे गए हैं। वह आईटी कंपनियों के कर्मियों को भी 18 तारीख तक वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी गई है। आंध्र प्रदेश में जो है आज और कल 2 दिन जमकर बारिश होगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 2-3 दिनों के लिए केरल कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी और तमिलनाडु पुडुचेरी और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटों पर जो है 17 तारीख तक समुद्र की स्थिति खराब से बहुत खराब रहने की बात कही है। वह इसके बाद धीरे धीरे इसमें सुधार होगा। वही मौसम विभाग ने मछुआरों के लिए चेतावनी जारी की है, कहा कि 17 तारीख तक जो है समुद्री तटों के आसपास ना रहे। वही बंगाल की खाड़ी में आसाम जो है 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, जो कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इसके बाद हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, जो कि 17 तारीख तक दक्षिण पश्चिमी या सीमावर्ती पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी और पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। इसके बाद हवा की स्पीड में कमी आने की बात कही गई है। तो देश भर में मौसम का मिजाज जो है बदल रहा है, अलग अलग राज्यों में जो है तापमान में उतराव चढ़ाव की स्थिति है। फिलहाल अभी राज्य भर मौसम विभाग के समाचारों की बात करते हैं। अभी पहले छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ में ठंड जो है बहुत जल्द दस्तक देने वाली है, इसको लेकर अलर्ट भी जारी हो चुका है छत्तीसगढ़ में। दरअसल देश के अंदर मौसम का मिजाज बदला हुआ है, अभी भी देश के कई हिस्सों में बारिश जारी है, सुबह शाम जो है हल्की ठंड भी महसूस होने लगी है, तो कहीं कहीं अभी जो है मुश्वारी गर्मी का भी सामना करना पड़ रहा है सभी को, ठंड का इंतजार। ऐसे में जो है छत्तीसगढ़ में उमस वाली गर्मी से लोग परेशान है। प्रदेश में करीब 10 दिनों से बारिश नहीं होने के बाद एक बार फिर तापमान 33 के आसपास पार हो गया है, वहीं इसमें उमस भरी गर्मी बढ़ी हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने आगामी 2-3 दिनों के लिए कई जिलों में हल्की बारिश की बात कही है। वहीं मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ से मानसून की अब लगभग विदाई होने वाली है, 2 दिनों के भीतर मानसून खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही गुलाबी ठंड का एहसास लोगों को होने लगेगा, हालांकि दिन के तापमान में कमी के आसार है। वही अक्टूबर में जो है सुबह शाम ठंड से लोगों को राहत नहीं मिलेगी, लेकिन दिन में जो है राहत जरूर मिलेगी। तो छत्तीसगढ़ के मौसम को लेकर ये जानकारी फिलहाल सामने आ रही है कि अभी तापमान में उतराव चढ़ाव वाली स्थिति रहेगी। एमपी की बात करें तो लौटते मानसून से मौसम का मिजाज बदला है, वह इंदौर उज्जैन समेत 25 जिलों में बारिश का अलर्ट भी है। दरअसल बात यह है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बनी मौसम प्रणाली के असर से जो है हवाओं में नमी आ रही है, इसकी वजह से एमपी में कहीं कहीं वर्षा हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक कल जो है में भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन संभाग के जिलों में कहीं कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। वहीं सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक झार में 27, पंचमढ़ी में 9 और खंडवा में 4, उज्जैन इंदौर में 1 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। इधर दक्षिण पश्चिम मानसून जो है पूरे प्रदेश से वापस जा चुका है और ज्यादातर इलाकों में जो है मानसून की वापसी हो चुकी है। मंगलवार को यानी कल जो है मानसून की विदाई जो है ज्यादातर इलाकों में हो चुकी है। तो एमपी में जो है मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश का जो सिलसिला जो है वो कुछ जारी है। आगामी कुछ दिनों में इसी तरह की स्थितियां फिलहाल देखने को मिलेगी। तो ये मौसम से जुड़ी जानकारी फिलहाल निकल के सामने आ रही है कि ज्यादातर इलाकों में इसी तरह की स्थितियां रहेगी। बात अब राजस्थान के मौसम की करते, तो राजस्थान में आज बारिश का आखिरी दौर देखने को मिलेगा, फिर कल से जो है मौसम शुष्क होने लग जाएगा, ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क रहने के आसार जताए गए हैं और ठंड बढ़ने के आसार। दरअसल बात यह है कि राजस्थान में मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन अभी कुछ जिलों में कहीं कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली है। इस बीच मौसम विभाग केंद्र ने जो है नया अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के माने तो आज प्रदेश में आज बारिश का आखिरी दिन है, इसके बाद जो है
मौसम जो है वो शुष्क रहेगा, ठंड जो है दस्तक दे देगी। मौसम विभाग के अनुसार जो है राजस्थान के कुछ भागों में गर्जन व हल्की बारिश की संभावना है। उदयपुर कोटा में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है, वहीं ज्यादातर इलाकों में तेज दबाव के साथ ही बारिश होने की आसार है। वैसे आपको वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि मौसम से जुड़ी जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।